नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्या सागर। नोटबंदी को आज से एक साल पूरा हो गया है। नोटबंदी की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक बताकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसे काला दिवस बता रहे हैं। आठ नवंबर 2016 को पीएम की नोटबंदी पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का आज एक साल पूरा हो गया है। आज के दिन 8 बजे पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट को रात 12 बजे के बाद रद्दी हो जाने का ऐलान कर दिया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अचानक हुए इस फैसले से जहां लोग हैरत में पड़ गए, वहीं बैंक और एटीएम के सामने लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई महीनों तक देश कतार में खड़ा दिखाई दिया। ऐसे में नोटबंदी की बरसी पर अब सियासी दलों में घमासान छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी इस दिन को एंटी ब्लैक मनी डे के रूप में मना रही है और देश में कार्यक्रम आयोजित करके नोटबंदी के फायदे गिना रही है, वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल काला दिवस मना रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे एक बड़ी लूट बता चुके हैं। I start my address by invoking the memory of more than 100 people who lost their lives last year in the wake of the demonetization। वहीं बीजेपी 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले की याद दिलाकर कांग्रेस को घेरने में जुटी है। जाहिर है, सियासी घमासान के बीच लोग क्या सोचते हैं, इस नोटबंदी पर उनका क्या नजरिया है, नोटबंदी को लेकर आइए सुनते हैं। नोटबंदी से व्यापार जो थोड़ा बहुत गतिशीलता में था वो धराशायी हुआ है। गवर्नमेंट ने ना बगैर सोचे समझे नोटबंदी की है। जो कालाधन का चक्कर में जो नोटबंदी किया उसका कोई रिजल्ट RBI ने भी नहीं बताया, ना गवर्नमेंट ने भी नहीं बताया। नोटबंदी को लेकर भले ही एक साल पूरा हो गया हो, लेकिन इसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राय है। अर्थव्यवस्था पर जहां इसका असर पड़ा है और कारोबारी अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं। व्यापार पर फर्क ये पड़ा है कि नोटबंदी से व्यापार जो थोड़ा बहुत गतिशीलता में था वो धराशायी हुआ है। सन्नाटे पड़े हुए, तमाम लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि जिन बिल्डर्स के यहाँ 200 250 400 500 आदमी काम करता था, आज वहाँ 50-50 आदमी का स्टाफ रह गया। कारण क्या है कि बाजार के अंदर बायर नहीं है। बायर रियल एस्टेट का तभी होता है जब उसके अंदर कैश का फ्लो रहता है। आज की स्थिति में कैश फ्लो जीरो हो गया है रियल एस्टेट में, लिहाजा ऐसी स्थिति में व्यापार के उठने की कोई संभावनाएं अभी नजर नहीं आ रही है। ये स्थिति और नीचे जाएगी। नोटबंदी को एक साल हो गया है, लेकिन आज भी यही सवाल है कि क्या काला धन वापस लौटा, बैंकों में कितना पैसा वापस आया, क्या नोटबंदी से नक्सलवाद और आतंकवाद पर लगाम लग गई। हैरानी की बात यह है कि खुद सरकार के पास इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इसे एक उपलब्धि के तौर पर मना रही है। जाहिर है, गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लखनऊ से नेशनल वॉइस के लिए प्रियम पाठक की रिपोर्ट। तो नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी के फैसले गिनाए। इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। अरुण जेटली ने नोटबंदी को अभूतपूर्व फैसला बताया और इसे केंद्र सरकार का एक ठोस कदम भी करार दिया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी से लोगों को लाभ हुआ है और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। को लेकर इसके कई पहलुओं पर देश के भीतर भी और बाहर भी एक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के व्यापक भविष्य के लिए जो यथास्थितिवाद स्टेटस को था उसको बदलना अति अनिवार्य था। द स्टेटस को नीडेड टू बी शेकन अप।
जो स्टेटस को था पिछले एक वर्ष का, एक वर्ष पहले का, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कैश का अत्यधिक डोमिनेशन हो और राजनीतिक व्यवस्था में तो स्वाभाविक रूप से अधिक कैश होता है तो वो एक भ्रष्टाचार का एक केंद्र भी बनता है और कारण भी बनता है। कैश कम होने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कठिन निश्चित रूप से हो। तो जरा याद कीजिए 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बंद करने का फरमान सुना दिया और उसके बाद क्या कुछ हुआ जरा आप भी सुनिए। 8 नवंबर रात 8 बजे आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पीएम मोदी की इसी स्पीच के साथ सब कुछ बदल गया था। राजनीति, सियासी समीकरण, बैंक, बैंकों के बाहर की तस्वीर और 8 दिन के बाद जब बैंक खुले तो यही तस्वीर थी। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, धक्का मुक्की खाते लोग, सियासत के सुरमाओं के बयान, सड़क से लेकर संसद तक हर जगह नोटबंदी की चर्चा। नोटबंदी के पीछे सरकार यही तर्क दे रही थी कि इससे कालेधन के कुबेर को पकड़ा जाएगा, काली कोठरियों में पड़ा पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आएगा, भ्रष्टाचार के रास्ते कमाई गई रकम कागज हो जाएगी। बाद में सरकार का एजेंडा बदलता चला गया। कभी नोटबंदी को आतंकवाद, नक्सलवाद को रोकने के लिए अहम कड़ी बताया गया, कभी डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की पहल। सरकार अब भी यही कह रही है, विपक्ष को नोटबंदी में खोट दिखाई देती है। इस निर्णय को लेकर इसके कई पहलुओं पर देश के भीतर भी और बाहर भी एक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के व्यापक भविष्य के लिए जो यथास्थितिवाद स्टेटस को था उसको बदलना अति अनिवार्य था। आई मस्ट स्टेट दैट आई ऑल्सो स्पीक विद ए हैवी हार्ट। आई स्टार्ट माई एड्रेस बाई इन्वोकिंग द मेमोरी ऑफ मोर देन 100 पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स लास्ट ईयर इन द वेक ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी का एक साल पूरा होने के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। नोटबंदी का नतीजा क्या रहा? गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बहस नोटबंदी पर अटकी है। विपक्ष काला दिवस मनाने का ऐलान कर चुका है। सरकार कह रही है नोटबंदी से लेनदेन में पारदर्शिता आई है, हम गौरव दिवस मनाएंगे। मानिए कि नोटबंदी की पहली सालगिरह पर राजनीति तेरा दिवस बनाम मेरा दिवस हो गई है। जहां नोटबंदी से हासिल क्या हुआ, अगर गलती हुई तो कहां हुई का सवाल गुम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।
तो नोटबंदी के बाद कई दावे किए गए, कहा गया कि काला धन पर लगाम लगेगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सारे दावों की हकीकत साफ दिखाई देने लगी। सवाल उठने लगे, नोटबंदी क्यों की गई, इसका मकसद क्या था, लेकिन सरकार तब से लेकर अब तक दावों में ही उलझी है। एक चलचित्र आया था बाहुबली, अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा कम भी दिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बाहुबली कॉन्क्लूजन के रिलीज के बाद रिवील हो गया, लेकिन 8 नवंबर को रात 8 बजे नोटबंदी का कदम क्यों उठाया गया, एक साल बाद भी पर्दा उठना बाकी है। गुजरात चुनाव में विकास पागल हो चुका है और नोटबंदी का सवाल सियासत की गलियों में गुम, जहां से बयानों की शक्ल में बाहर आते हैं सवाल और उसी शक्ल में मिलते हैं जवाब। लेकिन नोटबंदी क्यों हुई, उससे हासिल क्या हुआ, लोगों को लाइनों में लगाने का नतीजा क्या निकला, अब तक महज सवाल है। नोटबंदी को लेकर सरकार ने कई बयान दिए, लेकिन कभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर नोटबंदी का आधार क्या था। काले धन पर लगाम के लिए नोटबंदी, नोटबंदी लाने की मोदी सरकार ने कई वजह बताई, जिसमें काले धन का खात्मा करना दावा किया गया। नोटबंदी से काला धन बाहर आएगा, लेकिन नोटबंदी के हफ्ते भर भी नहीं बीते थे सरकार का बयान बदल गया और सरकार का तर्क काले धन से आगे निकलकर नकली नोटों और आतंकी गतिविधियों और नक्सलवाद पर शिफ्ट हो गया। साथ ही कहा गया कि इससे कैशलेस इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय को लेकर इसके कई पहलुओं पर देश के भीतर भी और बाहर भी एक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के व्यापक भविष्य के लिए जो यथास्थितिवाद स्टेटस को था, उसको बदलना अति अनिवार्य था। अब देखिए नोटबंदी के बाद कितना पैसा बैंकों में वापस लौटा। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद 1.48 लाख बैंक खातों में 1.48 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हर खाते में कम से कम 80 लाख रुपए जमा किए गए थे। एक अनुमान के मुताबिक नोटबंदी के बाद बंद नोटों को 2/3 भाग में वापस बैंकिंग सिस्टम में लौटाया गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक 15.3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाले बंद नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में लौटे हैं। मतलब साफ है 99% बंद नोट 30 जून तक बैंकिंग सिस्टम में लौट गए। ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन आर ए मेनेस दैट द कंट्री नीड्स टू टैकल, बट डीमोनेटाइजेशन वाज क्लियरली नॉट द सॉल्यूशन। इट हैज बीन सजेस्टेड many times in the past as one of the methods to eradicate black money. नोटबंदी को लागू करने के दौरान ये भी कहा गया था कि इससे आतंकवाद और नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगेगी, लेकिन एक साल बाद भी ऐसा कोई पुख्ता डाटा नहीं है जो ये बता सके कि इन गतिविधियों पर कितनी रोक नोटबंदी की वजह से लगी हुई है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। नकली नोटों पर क्या रहा असर, अब तक मौजूदा रिकॉर्ड बताते हैं कि इस मोर्चे पर नोटबंदी सफल नहीं रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 रुपए के जितने बंद नोट वापस बैंकों में लौटे हैं, उसमें सिर्फ 0.007% ही नकली नोट थे। बंद 500 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें भी सिर्फ 0.002% नकली नोट रहे। जांच एजेंसी के मुताबिक 2015 तक 400 करोड़ रुपए के नकली नोट सर्कुलेशन में थे। डिजिटलीकरण और नोटबंदी, नोटबंदी के बाद डिजिटलीकरण के मोर्चे पर ही सफल साबित हुई है। नोटबंदी के बाद कैशलेस लेन देन की रफ्तार 40-70% बढ़ी है। पहले ये रफ्तार 20-50% पर थी। भले ही नोटबंदी के बाद कैशलेस लेन देन में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन कुछ महीनों बाद ही इसमें कमी आने लगी और लोग फिर नकदी पर आ गए। पिछले साल नवंबर महीने में 67.149 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे। दिसंबर महीने में ये बढ़कर 95.750 करोड़ पर पहुंच गए।
हालांकि इस साल जुलाई तक ये आंकड़ा घटकर 86.238 करोड़ पर आ गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में कैश का अत्यधिक डोमिनेशन हो और राजनीतिक व्यवस्था में तो स्वाभाविक रूप से अधिक कैश होता है तो वो एक भ्रष्टाचार का एक केंद्र भी बनता है। हालांकि नोटबंदी के इन आंकड़ों के बावजूद कुछ अर्थशास्त्री सकारात्मक रुख रखते हैं तो कईयों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इस बात पर इत्तेफाक रखती हैं कि नोटबंदी से नुकसान हुआ है लेकिन लंबी अवधि में फायदा नजर आएगा। अलबत्ता अभी से अंदाजा लगाना नोटबंदी फेल हुई या पास गलत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।